नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लद्दाख में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। चीन को यह झटका कोई और नहीं बल्कि रूस से लग सकता है। लद्दाख के मुद्दे पर रूस की खामोशी अब चीन की बेचैनी बढ़ाने लगी है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस मसले पर ना तो चीन को कोई सुझाव दिया और ना ही डिप्लोमेटिक समर्थन का इशारा किया है। हालांकि दिल्ली स्थित दूतावास के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने जरूर सकारात्मक हल की उम्मीद जताई है, जबकि इससे पूर्व हांगकांग के मामले पर रूस ने चीन का साथ देने में पल भर की भी देर नहीं लगाई थी। इसका मतलब यह है कि भारत के साथ सीमा विवाद में चीन को सिवाय पाकिस्तान के किसी अन्य देश से मदद की उम्मीद बेमानी है। यहां तक कि ईरान और सऊदी अरब जैसे मित्र देश भी तटस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि भारत के पक्ष में पश्चिम देश कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो खुलकर भारत के पक्ष में आ गए हैं। वैसे जिनपिंग को राष्ट्रपति पुतिन से समर्थन की आशाएं जरूर थी, मगर रूस उसकी तरफ से पूरी तरह खामोश बना हुआ है। हालांकि जिनपिंग की फिक्र उन खबरों ने भी बढ़ाई है जिनमें पीएम मोदी और पुतिन की टेलीफोनिक वार्ता का जिक्र किया जा रहा है। परंतु जहां तक चीन और रूस के संबंधों की बात है तो वे भारत रूस के मुकाबले अधिक विश्वास से भरे हुए नहीं है। चीन के साथ रूस के व्यापारिक रिश्ते जरूर हैं, मगर भारत के साथ यह संबंध इससे कहीं अधिक गहरे हैं। रूस के साथ भी लंबे अरसे तक चीन का सीमा विवाद चला है, मगर मार्च 2019 में दोनों देशों ने इसे सुलझा लिया था। इसके लिए रूस ने सीमावर्ती नदी के बीच में स्थित ताराब्रो द्वीप को चीन को सौंप दिया था। साथ ही अपनी सीमा में खबरोवस के पास रूसी सैन्य टुकड़ी को भी हटा लिया था। इस दौरान रूस ने 170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला इलाका चीन को सौंपा था। विवाद के सुलझने से दोनों देशों के बीच 4,300 किलोमीटर लंबी सीमा पूरी तरह विवाद मुक्त हो चुकी है। इन विवादित मुद्दों के हल होने पर चीन ने रूस पर जरूरत से ज्यादा डोरे डाले हैं। यह सब इसलिए किया गया कि दक्षिण एशिया में चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका की दादागिरी पर अंकुश लगा सके, साथ ही रूस को भारत से दूर भी करके क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए। चीन को इसमें सफलता भी मिली है। रूस ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन का साथ दिया है, परंतु उसके सारे अरमान अगस्त 2019 में उस वक्त उड़न छुए जब कश्मीर मसले पर सुरक्षा परिषद में चर्चा के मुद्दे पर रूस ने भारत का समर्थन कर दिया। यकीनन यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर असली झटका तो रूस चीन को अब देने जा रहा है। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक होने के साथ साथ सुख दुख के सहयोगी की तरह हैं। भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रूस का रहा है। दोनों देशों के नेता जरूर बदले, परंतु नीतियां कभी नहीं बदली है। रिश्तों की मिठास और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का एक दूसरे के संपर्क में बने रहना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रूस यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच यह विवाद सुलझ जाए। अगर यह मसला नहीं सुलझता है तो और नौबत जंग की आती है तो रूस चीन का साथ बिल्कुल नहीं देगा। रूस अपना समर्थन चीन के बजाय भारत को देना पसंद करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो भारत से उसके प्राचीन रिश्ते खराब होने तय है। साथ ही भविष्य में चीन उसके लिए भी मुसीबत बन सकता है। चीन की विस्तारवादी सोच से रूस भी भलीभांति परिचित है। दोनों देशों के संबंध व्यापारिक जरूर हैं, पर विश्वास की भारी कमी है। वैसे इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव चल भी दिया है। ट्रंप ने G7 की बैठक के लिए भारत और रूस को न्योता भेजा है। इसके बाद से चीन बुरी तरह बौखला गया है। वैसे अमेरिका द्वारा घेरने की रणनीति के तौर पर देख रहा है। रूस और भारत का नाम उस सूची में भी शामिल है जिसमें इन देशों को जोड़कर G7 से D10 समूह तैयार किया जाना है। यानी 10 लोकतांत्रिक देश जब एक मंच पर होंगे तो कम्युनिस्ट चीन की बखिया उधड़ना तय है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र को बड़ा हथियार बनाकर चीन को अलग थलग करने के अभियान पर काम कर रहे हैं। रूस और चीन के बीच गहरे रिश्तों की शुरुआत 2014 के यूक्रेन संकट और रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद से हुई थी। रूस के पश्चिमी देशों से खराब रिश्तों का फायदा उठाकर चीन उसे अपने करीब लाया है, जो कहीं ना कहीं रूस को भी उचित लग रहा था। 1950 से पहले दोनों देश इतने करीब कभी नहीं आए थे। रूस और चीन के बीच साल 2018 में $100 अरब का व्यापार हुआ है, जिसमें चीन का पलड़ा ही भारी रहा है। रूस के विदेशी व्यापार में चीन की हिस्सेदारी 14.1% है, जबकि रूस की मात्र 1.7% है। चीन मुख्य तौर पर रूस से गैस और तेल आयात करता है। हालांकि इसके मुकाबले भारत और रूस के बीच $10 अरब का ही व्यापार है, मगर उसके बावजूद यह रिश्ते बेहद घनिष्ठ हैं, जिन्हें दोनों देशों के पूर्व नेताओं ने एक पौधे के रूप में सींचा था। भारत के पास मौजूद 70% सैन्य साजो सामान और रक्षा उपकरण रूस द्वारा निर्मित है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां भी इनमें व्यवधान नहीं डाल पाई है।
ऐसे में चीन अगर पुतिन को संदेह दृष्टि से देखने लगे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चीन अपने व्यापार से दुनिया को जरूर ललचा सकता है, मगर इससे अच्छे दोस्त नहीं फुसलाए जा सकते हैं। अगर उसके व्यापार में ऐसा ही करिश्मा होता तो आज दुनिया भारत की बजाय उसके साथ खड़ी होती। यानी मजबूत रिश्तों के लिए सकारात्मक सोच, व्यवहार और समर्पण का भाव बड़ी भूमिका निभाता है। भारत इसी नीति से दूसरे देशों से अपने संबंध तय करता रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।